दोस्तों दिवाली बीत चुकी है और रिलीज की बात करें तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान यानी कि मिस्टर परफेक्टनेस, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, फतिमा सना शेख और कटरीना कैफ की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आज रिलीज हो चुकी है। आज हम इस वीडियो में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि इसका जो बिजनेस है फर्स्ट डे कितना तक जाएगा और इसके बिजनेस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ने वाला है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट चैनल। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इसका जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है वो काफी मेसिव अमाउंट होने वाला है क्योंकि इसी को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट यानी कि ट्रेड पंडितों ने कुछ घोषणा किया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाइएगा। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि इस फिल्म के बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बताते चलें कि इस फिल्म का जो मेन फैक्टर है पहला है दिवाली की छुट्टी। दिवाली 7 को थी और आज 8 नवंबर है, आज ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हो गई है और ऐसे में 8 नवंबर यानी कि आज छुट्टी का दिन है तो ऐसे में दर्शक इस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे। अगर अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अगर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करें जो कि सबसे ज्यादा कमाई की हो तो दिवाली के मौके पर शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर जिसने लगभग राउंड अप करके 45 करोड़ की कमाई फर्स्ट डे की थी। तो दोस्तों ऐसे में काफी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आज ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इस फिल्म का जो रिकॉर्ड है यानी कि हैप्पी न्यू ईयर का जो रिकॉर्ड था 45 करोड़ का वो तोड़ पाती है या नहीं। साथ ही दोस्तों कल यानी कि 7 नवंबर 2018 को दीपावली थी और दीपावली भी छुट्टी का दिन था और आज यानी कि 8 नवंबर 2018 को आज भी छुट्टी का दिन है तो ऐसे में लोग इस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे। तो दोस्तों इसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन होने वाला है वो काफी मेसिव अमाउंट हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे फैक्टर की, तो दोस्तों आपको बताते चलें कि इसका जो दूसरा फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, टिकट का जो प्राइस है वो काफी बढ़ चुका है, टिकट का प्राइस काफी एक्सपेंसिव हो गया है। इस बात का खुलासा आमिर सर ने पहले ही कर दिया था। जी हाँ, प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आमिर सर ने एक नया नोट्स जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसका जो टिकट का प्राइस होगा वो काफी बढ़ गया है क्योंकि इस फिल्म का जो शूट है वो काफी हैप्पी अमाउंट पे शूट किया गया है तो ऐसे में इस फिल्म का जो टिकट है वो काफी एक्सपेंसिव हो गया है। तो दोस्तों इस तरह इस फिल्म की जो कमाई है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है वो काफी हैप्पी है तो ऐसे में ट्रेड पंडितों के अनुसार इस फिल्म का जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है वो तकरीबन 50 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस फिल्म के खुद की प्रेडिक्शन की बात करें तो इसका जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है वो 40 से 50 करोड़ के आसपास हो सकता है। अगर वो उससे ज्यादा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है यानी कि 40 करोड़ से कम होता है तो इस फिल्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। वैसे दोस्तों आपके अनुसार इस फिल्म का फर्स्ट डे प्रेडिक्शन कितना तक जाएगा, आप जो भी इस बारे में सोचते हो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे ही मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। Subscribe my channel and press the bell icon.